हेलो फ्रेंड्स, इंडिया जाने की खुशी ना अलग ही होती है। तो एक महीना पहले ही मैंने ना पैकिंग करनी शुरू कर दी थी। जो जो सामान ला रही थी वो सब डालती जा रही थी। और आज है वो दिन जब मैं इंडिया जा रही हूँ। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं। हमारी जो फ्लाइट है वो न्यूयॉर्क से है, तो हम लोग न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं और साथ में ही कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे सर्विस एरिया पे रुके हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे और कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कॉफ़ी आ चुकी है और पफ पेस्ट्री हम लोग घर से बना के लाए थे, हमने नाश्ता कर लिया है। तो पेट पूजा होने के बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो आज जो मेरी फ़्लाइट है वो है एयर इंडिया की और वो है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग जो हमारा लगेज है वो देंगे और वहीं से हमें मिल जाएंगे बोर्डिंग पास। और फिर उसके बाद जी बाय बाय वाला सीन होगा, जो इमोशनल मेरा बड़ा बेटा हो जाता है हमेशा की तरह। तो बस वही चल रहा है, उसे थोड़ा हंसाया वगैरह। और अब हम लोग इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे और उसके बाद क्या होता है उसके लिए तो वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो जी हमने चेकिंग करा लिया, अपना बोर्डिंग पास हमें मिल चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट। और हालत देख लीजिए, अभी अभी से पतली हो गई, अभी प्लेन में बैठे नहीं है हम लोग। तो न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट ना बहुत ही नॉर्मल सा था, तो इसलिए ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। हेलो हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग शुरू करने का टाइम ही नहीं मिला, इतना सुबह से भाग दौड़ हो रही है। और जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ है, जैसे आपने देखा ही। तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को हेलो बोल दिया जाए और आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की जाए। तो आज मैं जा रही हूँ एयर इंडिया से दिल्ली और उसका मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगी कि किस तरीके से रहा मेरा सफ़र, क्योंकि मैं यूनाइटेड से ट्रैवल करती हूँ तो उसका तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, बट इस बार मैं एयर इंडिया से जा रही हूँ अपने देश। तो बताती हूँ क्या क्या होता है। अब फिलहाल तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है। जैसे ही हुएगी अंदर जाएंगे, दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है क्या नहीं और कितना बदलाव आया है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम एयर इंडिया से ट्रैवल किया था तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा, बट इस साल का कैसा रहता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखते रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर पर। तो जेरी हमसे दूर बैठा हुआ है, चैटिंग वैटिंग कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं यहाँ हूँ। और ये है एयरपोर्ट का नज़ारा। हम लोग इस बार ज़्यादा नहीं घूमे क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था और थक भी बहुत गए थे। किसी के बच्चे रो रहे हैं बाप रे। अरे अरे अरे, मुझे उतारो इस बग्गी से, मुझे नहीं बैठना है, मुझे तो दौड़ना है। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और सबसे पहले जा रहे हैं व्हीलचेयर वाले लोग, जो ओल्ड लोग हैं वो लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बोर्डिंग हमने करवा ली है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ और दिखाती हूँ कितना बड़ा प्लेन है एयर इंडिया का। आइए मेरे साथ। ये रहा हमारा प्लेन जो हमें इंडिया लेके जाएगा। चलो, ये लगा हुआ कितना बड़ा प्लेन है, देख लीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको। चलो चलो जेरी, हम बैठ गए हैं अपनी सीटों पे। अपनी सीटों पे हम बैठ गए हैं और अभी आपको दिखा दूँ कि एयर इंडिया अंदर से कितनी अच्छी है। तो ये एक स्क्रीन सी दे रखी है, ठीक है, और इधर तो स्क्रीन मिली नहीं है इस मेरे बेटे को, हमने 3 बुक की है। और ये खोल के देखो, ये देखो, ये ऐसे टेढ़ा सा हो रहा है, ये देख लीजिए। और वो दबा रहा है तो वो चल नहीं रहा है, ये इस तरीके से खुलेगा। ट्रैक भी है इसमें, बंद कर दो, ये बंद कर रहे हैं, हो गया बंद। ये इस तरीके से है, ये स्पेस मिली है हमें और साथ में ये हमें कान में लगाने के लिए दिया गया है। जरी इसको रिमोट है और रिमोट में बटन ही नहीं है। तो ये रिमोट है, दिखाना जरी क्या है रिमोट का। इट्स काइंड ऑफ ब्रोकन, या इट्स काइंड ऑफ शुगर काइंड ब्रोक। बस बस बस, अब इतना ही, दो टुकड़े हो चुके हैं इसके। तो जी एयर इंडिया की हालत तो आप ही देख ही लिए, कितनी खस्ता हो गई है। ऊपर हमने अपना सामान वगैरह रख दिया है और जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और एक साइड में एक आंटी जी का बच्चा है, वो छोटा सा 3 महीने का, वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि मुझे आवाज़ बंद ही करनी पड़ी। और ये देख लीजिए हालत पूरी टूटी फूटी आपको दिख ही रही है, टेप चिपका रखी है और एक जगह तो बैंडेज चिपका रखी थी। एयर इंडिया की इतनी बुरी हालत है और साथ में ही बच्चा रो रो के मेरा कान का पर्दा फाड़ दिया था उसने, तो मुझे पूरी की पूरी
वीडियो में वॉइस बंद करनी पड़ी और मेरी बुरी हालत देख के आप मेरी शक्ल देख के समझ ही सकते हैं कि कैसी हालत है। और बाहर देख लीजिए, एक और प्लेन जा रहा है, तो हमें जो सीट मिली है विंडो सीट है और दो विंडोज हैं उसमें। और अभी सामान वगैरह जो है, बड़े बड़े कंटेनर, वो भी प्लेन के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी जाएंगे लगता है। पता नहीं इसमें क्या क्या सामान है। और हम लोग बैठ गए सीटों में, बट अनकम्फर्टेबल सीट्स हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। और बट फिर भी हम लोग ये जर्नी इंजॉय करते हुए जाएंगे। प्लेन चलने लग गया, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो अभी हमारा वेलकम ड्रिंक सर्व हो रहा है, तो जिसको कोल्ड ड्रिंक लेनी है कोल्ड ड्रिंक ले सकता है। मैंने तो कोल्ड ड्रिंक और जूस लिया मेरे बच्चों ने, और जिसको विस्की लेनी है वो भी है यहाँ पे। और चखने में देख लीजिए कौन है, जो कि बहुत हार्ड है। तो जैसे ही वेलकम ड्रिंक खत्म हुई, हमारा फर्स्ट मील आ चुका है। और फर्स्ट मील में मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया है, और बच्चों के लिए मैंने वेज ऑर्डर किया है। तो नॉनवेज में है चिकन करी, भिंडी एंड चावल, और साथ में ही बच्चों का है शाही पनीर, चावल और भिंडी। पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। साथ में एक ब्रेड है, चॉकलेट मूज है और सैलेड है, और वाटर दिया हुआ है इन्होंने हमें। तो खा के बताती हूँ किस तरीके का खाना है। बट नॉनवेज वाला खाना बहुत टेस्टी था, वेज भी ठीक ठाक था। और अब ये हमारे खाने की प्लेट्स वगैरह लेके जाएंगे, और साथ में ही हमें पानी वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी देके जाएंगे। तो इसी बीच सब लोग सो गए थे, मैंने भी चपकी मार ली, क्योंकि जो मेरी साथ वाली आंटी का बच्चा था वो भी सो गया है। आइए अब मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ कि किस तरीके के वॉशरूम होते हैं एरोप्लेन में। और ग्रीन लाइट है, तो यानी कि वो खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। तो मैं अंदर एंटर कर चुकी हूँ, बंद करने पर ही लाइट ऑन हो जाएगी, अंदर से मैंने लॉक कर दिया था। अब आपको हेलो बोल देती हूँ और दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का होता है। ये है एक नॉब, और साथ में ही यहाँ पे ट्रैश बैग दिया हुआ है, यहाँ पे आप कूड़ा वगैरह फेंक सकते हैं। यहाँ पे गरम और पानी दो है, साथ में ही यहाँ पे हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह दे रखा है, खुशबू के लिए यहाँ पे लगा रखा है ताकि बदबू ना आए बाथरूम में। और ये है टिश्यू रोल, जिसको रिक्वायरमेंट है वो यूज़ कर सकता है। और साथ में ही और दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है एक बोर्ड जिसपे आप अपने छोटे बच्चे का डायपर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसे अब हम कर देते हैं बंद, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। साथ में ही आपको दिखाती हूँ छोटा सा टॉयलेट, ये देखिए कितना छोटा टॉयलेट है। साथ में ही यहाँ पे फ्लश दिया हुआ है, यहाँ से फ्लश कर सकते हैं और यहाँ पे अपना कूड़ा फेंक सकते हैं। यहाँ पे उल्टी वगैरह करने के लिए बैग वगैरह भी दिए हुए हैं आपको, रोल वगैरह नीचे लगा है। और देखिए कितनी छोटी सी जगह है जहाँ पे आपको खड़े होकर सब कुछ करना होता है। तो चलिए अब निकलते हैं बाहर, पता चले बाहर लंबी लाइन ना लगी हो। तो जैसे ही मैं इसको खोलूंगी, लाइट भी ऑफ हो जाएगी, यहाँ से हम खोल के बाहर निकलते हैं। तो मैंने कुंडी खोल दी है, लाइट ऑफ हो चुकी है। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर का नज़ारा। कोई बात नहीं, बाहर कोई नहीं था। साथ में ही राइट हैंड साइड में मेरे किचन है, वहीं पर खाना वगैरह गर्म होता है, और उसके बाद ही हमारी सीट है। बच्चा सो चुका है, और बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा अच्छा है। बस नज़ारे देखते देखते हमारा आ गया है सेकंड मील, और सेकंड मील में ये है ब्लूबेरी मूस, पानी दिया हुआ है और एक आलू चाट दिया हुआ था, बहुत टेस्टी था। और ये सेवियाँ, चिकन, और मेरे बच्चों के लिए मैंने वेज पास्ता ऑर्डर किया था, वेज ही उनके लिए, और मैंने अपने लिए नॉन वेज। उनका भी सब कुछ सेम है, बस पास्ता है। खा के उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बिल्कुल मेरे आप शक्ल से समझ ही सकते हैं कि कितना गंदा खाना था, तो हम सब लोगों ने छोड़ दिया। तो अब मूस खा के बताती हूँ कैसा है। तो मूस बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तीनों मूस खा गई, बच्चों के भी मैं ही खा गई, और फिर हम और साथ वाली सीट के बच्चे ने रो रो के मेरा तो सर दर्द कर दिया था। तो मेरी हालत आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरा सर बहुत तेज़ पट रहा है और नींद पूरी नहीं हुई है और बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने दवाई बोली है कि मुझे दवाई दे दो, तो दवाई लेके आ रही है मेरे लिए। गला भी ख़राब हो गया है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है मेरी। वैसे ही ख़राब थी, अब और ज़्यादा हो गई है फ्लाइट में, और बैठने उठने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड सीट्स हैं। बट मैं वहाँ से दवाई खा के थोड़ी देर के बाद मिलने से, तो मैंने चाय वगैरह पी ली है और उसके साथ मैंने दवाई वगैरह भी खा ली है, तो थोड़ा सा सर बेटर लग रहा है। तो जो लंच था वो तो काफ़ी अच्छा था, बट जो अभी इवनिंग स्नैक्स आया ना उसमें मैंने नॉन वेज मंगवाया था और बच्चों ने वेज मंगवाया था, बट इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। बट उसमें जो आलू चाट था वो बहुत टेस्टी था, और जो उसमें पुडिंग
थी वो भी बहुत अच्छी थी, तो हमने वही खाया और मेरा तो सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने चाय ली और मैंने चाय पी ली। तो मैं अपना एक्सपीरियंस एयर इंडिया का आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी। फाइनली बच्चा सो गया और कुछ शांति मिली, मेरा सर दर्द भी थोड़ा ठीक हुआ, बेटर हुआ। और अब ये आ गया है लास्ट मील हमारा, ये है रोल, और मैंने चिकन रोल मंगवाया था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कच्ची रोटी थी, फीलिंग तो अच्छी थी। बच्चों के लिए वेज रोल आया था, बच्चों ने खाया ही नहीं क्योंकि बच्चे सो रहे थे, वो अपनी नींद पूरी कर रहे थे क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अब हम लोग लैंड करने वाले हैं, तो आपको दिखाती हूँ अपनी इंडिया का नज़ारा। जोर जोर से हिल रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और कान के जो लाइट है वो चले गई है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहा है, दिमाग गोल गोल घूम रहा है और डर लग रहा है कि बस सेफली लैंड हो जाए प्लेन। तो हम लोग सेफली लैंड हो चुके हैं और आ गए हैं इंडिया के एयरपोर्ट पे, और सबसे पहले हम लोग यहाँ से करवाएंगे अपना इमिग्रेशन और उसके बाद वेलकम टू इंडिया, उसके बाद हम लोग अपने बैगेज कलेक्ट करेंगे। और बाहर मेरी सिस्टर और ब्रदर दोनों आए हुए हैं मुझे लेने के लिए, तो उन्हें फ़ोन भी करना है, तो आप इंडिया का एयरपोर्ट भी देख लीजिए। और साथ में ही अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा एयर इंडिया का, बिल्कुल इतना ज़्यादा खास नहीं रहा। खाना भी ठीक ठाक था, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी थी बट कुछ कुछ चीज़ें नहीं अच्छी थी, और मेरा गला फिर से ख़राब हो चुका है, तो इसलिए आपको मेरी वॉइस ऐसी लग रही होगी। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। तो बैगेज वगैरह हमने सब ले लिए हैं और अब बाहर पिंक और हेमू आ गए हैं, तो वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं जल्दी से, उनसे भी मिलते हैं। तो कैब में हम लोग बैठ चुके हैं, ये रही पिंकू आगे बैठी है और डायरेक्शन दे रही है, इधर से चलो उधर से चलो, और हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा मेरी मम्मी के पास। तो जी हम पहुंच चुके हैं और मैंने जूड़ा भी बना लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इस वजह से, तो अभी देखते हैं मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं और उन्हें मिलता है सरप्राइज़। सब उतर चुका है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी नया कुछ लेके, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, बहुत गर्मी है, तो मैं अभी जाऊँगी रेस्ट करूँगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।